स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। क्लास है 8, लेसन नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। आंसर, द मटेरियल्स विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फैलन लीव्स, एनिमल वेस्ट्स एक्सेट्रा। द मटेरियल्स विच आर नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम कैंस एक्सेट्रा। इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जो माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलके, फैलन लीव्स, एनिमल वेस्ट एक्सेट्रा। और वे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा इजीली डिकम्पोज नहीं होते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम कैंस एक्सेट्रा। टीन, एल्यूमिनियम के कैंस डीजनरेट होने में 100 से 500 साल तक का समय लग जाता है और प्लास्टिक बैग्स को डीजनरेट होने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।